Hello everyone. In this lecture, we are going to talk about the deviations of the Brayton cycle from the ideal cycle to the actual cycle. ठीक है, तो Brayton cycle में हम लोगों ने कुछ assumptions लिए थे, जैसे कि जो processes हैं वो सारे के सारे reversible processes होंगे. ठीक है, दूसरा हमने एक प्रोसेस लिया था कि जो एक्सपेंशन होगा वो आइसेंट्रोपिक होगा, जो कंप्रेशन होगा वो भी आइसेंट्रोपिक होगा. ठीक है, तो बेसिकली जो एक्चुअल साइकिल होती है वो इस तरीके की नहीं होती, उसमें इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते. तो वो इरिवर्सिबिलिटीज क्यों होती हैं, पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, पहला रीज़न जो इरिवर्सिबल होने का है Brayton साइकिल के अंदर, वो ये कि हमने काइनेटिक एनर्जी को हमने नहीं यूज़ करा है कहीं भी. काइनेटिक एनर्जी को हमने नहीं कंसिडर करा किसी भी कैलकुलेशंस या कभी भी हम इस साइकिल को ड्रॉ करते समय. ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट इन Brayton साइकिल, क्योंकि जो मास फ्लूड जो भी वर्किंग मीडियम फ्लो कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ फ्लोइंग विद अ हाई वेलोसिटी, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो जिसको हमने कंसिडर नहीं करा. तो फर्स्ट रीजन इज़ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट एज द वेलोसिटी इज़ क्वाइट हाई इन द सिस्टम. ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो इस वजह से हमने काइनेटिक एनर्जी को अकाउंट में नहीं लिया. ठीक है, तो एक वो इरिवर्सिबिलिटी हुई. दूसरा, जब फ्लो रेजिस्टेंस होता है, जब कभी भी जैसे मान लेते हैं कंबशन चैम्बर के अंदर हमने देखा कि 2 to 3 दिस प्रोसेस कंबशन चैम्बर जिसमें हमने हीटिंग करी है वो कांस्टेंट प्रेशर हमने माना. ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे भी कुछ उसके फ्लो को, जो वर्किंग मीडियम, जो वर्किंग फ्लूड हमारा फ्लो कर रहा है, उसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है. हमने उसे कंसिडर नहीं करा, हमने ये माना कि दिस एडिशन इज विल बी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो दूसरा रीजन हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू द फ्लो रेजिस्टेंस. ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमने नहीं कंसिडर करा वो था स्पेसिफिक हीट चेंजेस विद टेम्परेचर. एज वी नो दैट स्पेसिफिक हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है ना, वो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन हमने ये चीज कंसिडर नहीं करी. वी हैव टेकन कि इस जो आइडियल साइकिल के अंदर, जो एयर स्टैंडर्ड Brayton साइकिल होती है, उसके अंदर हमने ये माना कि स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. ठीक है, तो एक थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट चेंजेस विद टेम्परेचर. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रिक्शनल लॉसेज इन द सिस्टम. एज वी नो दैट नो सिस्टम इज फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शन लॉसेज, तो फ्रिक्शनल लॉसेज भी होंगे, उस वजह से भी इरिवर्सिबिलिटीज आती हैं. ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जिनकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी होती है और हमारी जो एक्चुअल साइकिल है वो स्टैंडर्ड साइकिल से थोड़ी सी मिसमैच होती है. ठीक है ना, तो देख लेते हैं वो मिसमैचेस क्या हैं. जैसे कि हमने देखा कि दिस 3 to 4 दिस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस है टर्बाइन के अंदर, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें क्योंकि हमने माना था ये आइसेंट्रोपिक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा. दिस विल लाई लाइक दिस, ये इस तरीके से यहाँ पे लाई करेगी. ठीक है, तो दिस विल बी योर एक्चुअल 4 point. ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलेगा फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग मीडियम इन द टर्बाइन. राइट, तो सिमिलरली कंप्रेसर के अंदर भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कुछ डेविएटेड होगी. ठीक है, वो इस तरीके से 2 point आएगा. तो अगर हम इन डेविएशंस को देखें तो 3 to 4 ये एक टर्बाइन वाला पार्ट है जो कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. ठीक है, तो हम चाहते थे कि ज्यादा काम मिले लेकिन उतना मिला नहीं. ठीक है ना, 3 to 4 हमें सिर्फ वर्क मिला है जबकि हम चाहते थे 3 to 4 S हमें वर्क मिले. सिमिलरली कंप्रेसर इज अ वर्क यूटिलाइजिंग डिवाइस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम चाहते हैं कि कम हमें वर्क इसे देना पड़े लेकिन हमें ज्यादा देना पड़ रहा है. 1 to 2 इज बिगर देन 1 to 2 S. ठीक है ना, तो ये हमें पता चल रहा है कि हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. दिस इज योर नॉट, तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन नहीं होता, कुछ डेविएटेड होता है. थर्ड, जो 2 to 3 होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन हुई थी वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होगी, कुछ डेविएटेड होगी नीचे. ठीक है, तो ये प्रेशर ड्रॉप हो गया ड्यू टू द फ्लो रेजिस्टेंस, तो इस वजह से ये पॉइंट कुछ यहां लाई करेगा और यहां से एक्सपेंशन शुरू करे होता है. ठीक है, तो दीज आर द डेविएशंस इन द Brayton साइकिल. ठीक है, इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से जो हमने पढ़ी कि जो ये डेविएशंस होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें एफिशिएंसी बतानी पड़ेगी टर्बाइन की. तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, हम चाहते थे
कि हमें इतना वर्क मिले 3 to 4s, लेकिन हमें मिला कितना 3 to 4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें एक्चुअल वर्क मिला, ठीक है, डिवाइडेड बाय द आइडियल आइसेंट्रॉपिक वर्क। ठीक है, तो हम चाहते थे कि हमें इतना वर्क हम चाहते थे कि हमें इतना वर्क मिले, लेकिन हमें मिला कितना, सिर्फ इतना। तो दिस विल बी योर द एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्चुअल वर्क कितना हो गया हमारे पास, H3 - H4। ठीक है, और हमें चाहिए कितना था, जो हमें मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था H3 - H4s, राइट। तो दिस इज योर द एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, ठीक है, एक्चुअल वर्क ओवर आइडियल आइसेंट्रोपिक वर्क। ठीक है, अब हम अगर कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी में एक्चुअल वर्क ओवर आइडियल वर्क नहीं होगा, यहां पे होगा आइडियल आइसेंट्रोपिक वर्क ओवर एक्चुअल वर्क। तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें हमने आइडियल ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि ये एक वर्क यूटिलाइजिंग डिवाइस है। हम चाहते थे कि हमें इतना ही वर्क इसको देना पड़े, लेकिन हमें देना कितना पड़ा, इसे ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, ज्यादा इस पे काम करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है। तो आइडियल एसेंट्रोपिक वर्क इसमें कितना है, H2S - H1, जबकि एक्चुअल वर्क हमें कितना करना पड़ा है, H2 - H1, राइट। तो दिस विल बी योर द एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन एंड कंप्रेसर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस द एफिशिएंसीज, जो कि हमने एंथैल्पी के टर्म में लिखी हुई है, उसे हम अपने टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, CP T3 - T4 ओवर CP T3 - T4s। तो CP से CP कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी T3 - T4 ओवर T3 - T4s। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं, दिस विल बी CP H2S - HT1 ओवर CP T2 - T1। तो CP से CP कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी T2S - T1 ओवर T2 - T1। तो दिस आर द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज ऑफ टर्बाइन एंड कंप्रेसर इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर। ये जो हमारे पास आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज हमने देखी थी, ठीक है, वो प्रॉपर हमें कंपैरिजन नहीं बता पाती हैं किसी भी। मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक कंप्रेसर है, दैट इज हैविंग सर्टेन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज वर्किंग बिटवीन डिफरेंट प्रेशर रेशोज, तो हम प्रॉपर तरीके से उसे कंपेयर नहीं कर पाते, वो कितने प्रेशर रेशो पे काम करता था, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर होती हैं कि प्रेशर रेशो हो सकता है डिफरेंट हो, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो रही हो, तो वो प्रॉपर कंपेरिजन नहीं कर पाती हैं फॉर डिफरेंट कंप्रेसर्स। तो उसके लिए हमारे पास एक एफिशिएंसी होती है, दैट इज योर पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसीज, दैट वर्क्स फॉर द इनफाइट सिमल चेंज। ठीक है, बहुत छोटे टेम्परेचर चेंज और बहुत छोटे हमारे पास प्रेशर चेंज की में किस तरीके से कंप्रेसर और टरबाइन काम कर रही होती है। ठीक है, हम उसको इसमें देखते हैं, फॉर द इनफाइट सिमल चेंज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत छोटे चेंज प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर। तो ये ज्यादा एक अच्छी हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है फॉर द कंपेरिजन ऑफ द कंप्रेसर्स एंड द टर्बाइन। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी को हम निकालने के लिए तरीका क्या है, कि वी नो दैट PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास याद रखने की बात है कि दिस इज एन आइसेंट्रॉपिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये एक आइसेंट्रॉपिक एक्सप्रेशन है, PV इज इक्वल टू गामा ओवर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एंड वी नो दैट PV ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी लाइक कि हमारे पास अगर हम P1 V1 ओवर गामा इज इक्वल टू P2 O2 ओवर पर गामा ले लें, एंड P1 V1 ओवर T1 ले लें, और यहां से P2 V2 ओवर T2 लेंगे, तो यहां से हम अगर अपने वॉल्यूम को एलिमिनेट करके सारी ये इक्वेशन सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में लेके आना चाहेंगे, तो दैट विल बी लाइक कि P1 की पावर
वन माइनस गामा इज इक्वल टू टी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू की पावर वन माइनस गामा एंड टी टू की पावर गामा, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाता है एंड वी कैन राइट लाइक दिस कि टी टू की पावर गामा पी वन की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम इस चीज को लिख सकते हैं, राइट। तो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन कमिंग फ्रॉम द आइसेंट्रॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ पी वन वी वन ओवर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा एंड पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आ गई और यहाँ से ये हमारे पास क्या से आ गया, आइसेंट्रॉपिक एक्सप्रेशन से आ गया। तो यहाँ से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये टी की पावर गामा इज इक्वल टू पी की पावर वन माइनस गामा विल बी योर कॉन्स्टेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट्स टेक कि हम यहाँ पे एल एन ले लेते हैं, लॉग टू द बेस ई हम दोनों साइड ले लेते हैं, तो टी टी गामा इज इक्वल टू, ठीक है, एंड एल एन ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन टी की पावर गामा प्लस एल एन पी की पावर माइन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज गामा एल एन टी प्लस वन माइनस गामा एल एन पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बहुत छोटे डिफरेंशियल टेम्परेचर की हम बात करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी गामा डी टी ओवर टी प्लस वन माइनस डी पी ओवर पी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन, गामा डी टी ओवर टी प्लस वन माइनस गामा डी पी ओवर पी इज इक्वल टू जीरो। लेट्स टेक कि मैं यहां पे जो टी आया है, क्योंकि मैं आइसेंट्रॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आइसेंट्रॉपिक में क्या होता है, ठीक है, आइसेंट्रॉपिक में हमने इसको लेट से डी टी एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डी टी एस इज ओवर टी वन माइनस गामा डी पी ओवर पी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इस साइड थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये रीअरेंज करते हुए क्या हो जाएगा, दिस विल बी गामा डी टी एस ओवर टी इज इक्वल टू वन माइनस गामा डी पी ओवर पी इंटू, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, नाउ वी कैन राइट डी टी एस विल बी वन माइनस गामा डी पी ओवर पी इंटू टी, राइट। तो हमने डिफरेंशियल टेम्परेचर चेंज, ठीक है, बहुत छोटा टेम्परेचर चेंज निकाल लिया है, ठीक है, कितना होगा, इतना होगा, लेकिन दिस प्रोसेस गोज फॉर द आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, की आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस में इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट आइसेंट्रॉपिक, दैट इज एक्चुअली अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक का एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक का एक्सप्रेशन होता है, पॉलीट्रॉपिक एक्सप्रेशन इज पी की ओवर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसमें एन क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, पीवी की ओवर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, पीवी ओवर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड अगेन आइडियल गैस लॉ जो हमारे पास होगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू ओवर टी टू, ठीक है, हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो दस द प्रोसेस गोज सेम लाइक दिस, ठीक है ना, बस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, दिस विल बी की हमारे पास यहां पे एक्सप्रेशन आ सकता है एल एन टी की ओवर एन, ठीक है, पी की ओवर वन माइनस एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस जहां पे गामा चल रहा था वहां पे अब एन चल रहा है, बिकॉज इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हम इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, दिस विल बी एन एल एन टी प्लस वन माइनस एन एल एन पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम जिसको डिफरेंशिएट कर देते हैं वापस, जैसे हमने अभी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस में करा था, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन डी टी ओवर टी। अब हम यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां पे हम इस बार
सिर्फ टी ले रहे हैं, क्योंकि अब हम एक्चुअल प्रोसेस की बात कर रहे हैं पॉलीट्रॉपिक की। दिस इज आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें हमने डी टी एस लिख लिया था, ठीक है, क्योंकि आइसेंट्रॉपिक हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डी टी बोलेंगे कि हमने ये बोला है कि ये दिस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। तो हम यहां से अगर हम डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस n ओवर n डी पी ओवर पी इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, द पॉलीट्रॉपिक चेंज इन द टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम अगर एफिशिएंसी निकालें टरबाइन की पॉलीट्रॉपिक केस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम चाहते थे जो पॉलीट्रॉपिक होगा वो कितना होगा, देखा हमने अभी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर भी देखा था कि वो कितना हो गया था, जो हमारे पास आइडियल वर्क है, ठीक है ना, वो ज्यादा होता है और एक्चुअली हमें कम मिलता है। तो हमें एक्चुअली हमें कम मिलेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी योर सी पी डी टी, ठीक है, दैट मीन्स पॉलीट्रॉपिक वर्क आउटपुट, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक वर्क आउटपुट ओवर आइसेंट्रॉपिक वर्क आउटपुट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी पी डी टी एस, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी पी टू सी पी कैंसिल हो जाएगा एंड डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन माइनस एन एन डी पी ओवर पी इंटू टी, ठीक है, ओवर माइनस वन माइनस गामा ओवर गामा डी पी ओवर पी इंटू टी, राइट। तो यहां से ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी द प्रोसेस कि हम इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन ओवर n इंटू गामा ओवर गामा माइनस वन। तो दिस इज योर द पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी फॉर द टर्बाइन, ठीक है, विच इज फॉर द इन्फाइनिटेसिमल चेंज इन प्रेशर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर रेशियो, प्रेशर चेंज कितना है वो भी उससे इंडिपेंडेंट है और इनिशियल स्टेट क्या थी वो भी उससे भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यह हमारे पास क्या आ गया, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी आ गई है टर्बाइन की, राइट। तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर चेंज, कितना प्रेशर चेंज हो रहा है ये उससे भी इंडिपेंडेंट है, क्या इनिशियल स्टेट थी उससे भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पैरामीटर निकाल सकते हैं किसी भी टर्बाइन के लिए। तो अब आगे हम देखेंगे कि हम टर्बाइन की पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी और आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे पास पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी का एंड टर्बाइन पॉलीट्रॉपिक का हमारे पास जो रिलेशन है वो आ चुका है, दैट इज एन माइनस वन ओवर एन इंटू गामा ओवर गामा माइनस वन, राइट। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है, वी कैन राइट कि एन माइनस वन ओवर गामा इज इक्वल टू एन माइनस वन ओवर एन इज इक्वल टू गामा माइनस वन ओवर गामा इंटू एन टर्बाइन पॉलीट्रॉपिक, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो लेट्स से कि अब हमें जो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी और आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसीज के अंदर, ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास साइकिल अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था इस तरीके से, जो हमारी साइकिल थी कि हमारे पास आइडियली ये था, ठीक है, और ये हमारे पास एक्चुअल मिल रहा था। तो दिस इज योर 3 2 4s एंड दिस इज 4, राइट, हमने ऐसे ही बनाया था। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास आइसेंट्रॉपिक होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जो टर्बाइन की आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो क्या इतना हो गया कि एक्चुअल वर्क आउटपुट कितना मिला और आइडियली हमें कितना मिल रहा था, राइट। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, H3 माइनस H4 ओवर H3 माइनस H4s, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर की टर्म्स में क्या करा था इसको, T3 माइनस T4 ओवर T3 माइनस T4s, ठीक है, दिस इज T4, राइट। अब अगर मैं यहां पे T3 कॉमन निकाल लूं तो दिस विल बी 1 माइनस T4 ओवर T3, ठीक है, इंटू T3, हमने T3 कॉमन निकाल लिया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस T4s ओवर T3, तो ये हमारे पास T3 आ गया, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। नाउ एज वी नो कि जो टेम्परेचर रेशियो T4 ओवर T3 होता है, ठीक है ना, वो प्रेशर रेशियो के टर्म्स में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, दस T4 एंड T3 विल बी इक्वल टू P4 ओवर P3 की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा,
हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लेकिन हमारे पास क्या हो गया, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हो गया, दैट मीन्स टी फोर एस ओवर ये हो जाएगा पी फोर ओवर पी थ्री, यानी कि हमारे पास क्या हो गया प्रेशर रेशियो के टर्म्स में होगा 1 माइनस दिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, लेकिन दिस इज योर 1 ओवर आरपी, ठीक है, 1 ओवर आरपी, क्योंकि पी थ्री ओवर पी फोर हमारे पास प्रेशर रेशियो होता है, तो 1 ओवर आरपी की और गामा माइनस 1 ओवर गामा, ये हमारे पास हो जाएगा, राइट। लेकिन ये हमारे पास आइसेंट्रॉपिक है, अगर हम पॉलीट्रॉपिक जो टी फोर टू टी थ्री है, जो टी फोर टू टी थ्री है, ये एक्चुअली पॉलीट्रॉपिक है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टी फोर ओवर टी थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन पी फोर ओवर पी थ्री, लेकिन ये पॉलीट्रॉपिक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ओवर आरपी की पावर एन माइनस 1 ओवर एन, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस आरपी, ठीक है, एन माइनस 1 ओवर एन, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आरपी की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा, राइट। बिकॉज जो हमारे पास टी फोर एस ओवर टी थ्री का रेशियो है वो आइसेंट्रॉपिक है, इसलिए हमने गामा यूज करा है, और ये टी फोर ओवर टी थ्री का रेशियो क्या है, ये पॉलीट्रॉपिक है, तो हमने इसको इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अब एन माइनस वन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर आरपी की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ओवर 1 माइनस आरपी की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी में आ गई। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है आइसेंट्रॉपिक और पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी के बीच में, राइट। तो दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये हमने आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ओवर टर्बाइन एंड द पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ओवर टर्बाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको यही प्रोसेस पूरा अपनाते हुए कंप्रेसर के लिए टर्बाइन की एफिशिएंसी निकालनी है, सॉरी कंप्रेसर के लिए हमें एफिशिएंसी निकालनी है, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर टू द आइसेंट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो आपको अब कंप्रेसर के लिए प्रोसेस करना है, वी हैव डन इट फॉर द टर्बाइन, ठीक है। अगर इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जो हमारे पास कंप्रेसर होता है, ठीक है, योर डी टी डैश और डी टी जो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो चेंज नहीं होनी, डी टी डैश, ठीक है, डी टी एस और डी टी की रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी, दैट विल रिमेन सेम, ठीक है, वो सेम रहेगी। बस यहाँ पे क्या फर्क होता है कि जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है कंप्रेसर की, वो अगर हम यहां देखें इस प्रोसेस में, ठीक है, तो हमने जब इसमें क्या कहा था, पॉलीट्रॉपिक, ठीक है, ये हमने जो एक्चुअल था डी टी जो था वो ऊपर रखा था, लेकिन यहां पे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि आइसेंट्रॉपिक हो, ठीक है, और लेकिन हमें होता है पॉलीट्रॉपिक, तो इसके अंदर बस इतना उल्टा हो जाएगा कि दिस कंप्रेसर में ये हो जाएगा डी टी एस ओवर सी पी डी टी, इसमें ये बस केस उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्क यूटिलाइजिंग डिवाइस है, इस वजह से इसमें सिर्फ ये चीजें दोनों रिवर्स हो जाएंगी कि क्या हम चाहते थे और क्या हमें मिल रहा है, बस, राइट, ठीक है ना। तो दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ द आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड द पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।